हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडीज हब पर। 65th बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन हम करा रहे हैं अपने चैनल पे, तो जनरल स्टडीज जीएस पेपर 1 का सिलेबस मैं डिस्कस कर चुकी थी। मैं पूरे मेंस का सिलेबस डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोज में। जनरल स्टडीज पेपर 1 में 3 सेक्शन होते हैं, मैं बताई थी। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 को कवर कर रहे हैं, ठीक है। कल्चर हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, अब मॉडर्न हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राइबल मूवमेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो ट्राइबल मूवमेंट्स में हम बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट था उसके बारे में पढ़ चुके थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, सेक्शन 1 का ही जो पार्ट है, हिस्ट्री का ही, ठीक है। देखिए, सेक्शन 1 114 मार्क्स का आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सेक्शन को बहुत सीरियसली लीजिए। सिलेबस बहुत कम है, बहुत डिफाइंड है, पर इसको आप तरीके से करेंगे प्रिपरेशन तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और आप अच्छे मार्क्स फेच कर पाओगी एग्जाम में, ठीक है। आज हम संथल रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, देखिए, संथल रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस पेपर 1 में। संथल रिवोल्ट और आपका मुंडा रिवोल्ट, ये ईयर आफ्टर ईयर, किसी साल संथल रिवोल्ट आएगा तो किसी साल मुंडा रिवोल्ट आ जाएगा। ये दोनों रिवोल्ट इसलिए, जो आपके ट्राइबल रिवोल्ट है उनमें से इन्हीं दोनों रिवोल्टों को क्यों ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि देखिए ये दोनों बिहार से ही बिलोंग करते हैं। क्योंकि जो झारखंड था पहले बिहार का ही हिस्सा था, बाद में सेपरेट हुआ, तो संथल रिवोल्ट भी आपका जो झारखंड का एरिया था वहीं पे हुआ था 1855-1856 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इसको पूछ लिया जाता है ऑल्टरनेटिव ईयर्स में, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज मैं संथल रिवोल्ट के बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगी, ठीक है। देखिए, किसी भी आंसर को लिखने का एक तो उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसका मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, तीन पार्ट पे आप काम करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो बहुत बेहतर होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इम्फेसाइज करती हूँ बार बार कि अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पैराग्राफ बहुत बोरिंग हो जाता है और पैराग्राफ लिखने से आपको शायद उतने अच्छे मार्क्स ना मिले। तो अपने आंसर को पॉइंट्स में स्प्लिट कीजिए, ओके। तो सबसे पहले जान लेते हैं संथल रिवोल्ट के बारे में। देखिए, जो न्यूमरस ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे, जो आपके विद्रोह हुए थे, देखिए जो विद्रोह हुए थे आपके ट्राइबल विद्रोह, उनमें जो संथल अपराइजिंग थी, संथल रिवोल्ट था, संथल का जो विद्रोह था वो मोस्ट मैसिव था, बड़े लेवल पे हुआ था और बहुत ज्यादा लोगों की जान भी इस रिवोल्ट में गई थी, ठीक है। वो सब हम आगे पढ़ेंगे। संथल्स कहाँ रहते थे, जो आपका एरिया था भागलपुरा राजमहल हिल्स के बीच का जो एरिया था, ठीक है, वहां संथल्स रहा करते थे। संथल परगना था, ढेर सारे गांव थे जो इस रीजन में आते थे जहाँ ये ट्राइबल पीपल्स रहते थे। आज वह एरिया झारखंड में है, उसका कुछ पार्ट अभी बिहार में भी है, जिसको हम दमने कोहो कह के भी बुलाते थे। इस रीजन का नाम दमने कोहो था। यहीं पर ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था कंपनी रूल के खिलाफ, जो आपका ब्रिटिशर्स का जो रूल था उसके खिलाफ ये रिवोल्ट शुरू हुआ था 1855 में, ठीक है। 30 जून 1855 में ये रिवोल्ट शुरू हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कानू। ये दो भाई थे, ये संथल्स ही थे, संथल ट्राइब को बिलोंग करते थे। इन दोनों भाइयों की लीडरशिप में ही ये रिवोल्ट शुरू हुआ था। सिद्धू ने इस रिवोल्ट में एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो, और ब्रिटिशर्स लीव आर सॉइल, अंग्रेजों हमारी मिट्टी को छोड़ो। ये दो स्लोगन्स इन्होंने दिए थे, तो इनको आप मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा, आपका आंसर इससे अच्छा होगा। उसके बाद हम जान लेते हैं कॉजेस क्या थे। देखिए, ये रिवोल्ट हुआ क्यों, ठीक है, इतना बड़ा मैसिव रिवोल्ट था, ये किन कारणों से हुआ, क्या कारण थे। देखिए, जो आपके संथल्स थे वो जंगली लोग थे, वो अपना आराम से अपने जंगल पे कुछ चीजें उगाते थे, जंगल पे उनका कब्जा रहता था और जंगल में ही वो लोग रहते थे। ये देखिए, इस तरह से ये रहते थे मिनिमम क्लॉथ्स के साथ, मिनिमम इनकी रिक्वायरमेंट थी, मिनिमम नीड्स थी, और जनजाति थी एक तरह की, तो ये बहुत सिंपल लोग थे, पीसफुल लोग थे। बट जब अंग्रेज आप हमारे इंडिया में आ गए, तो उन्होंने क्या किया, जो ट्राइबल्स की जो लैंड थी उसको एक्सप्लॉइट करने लगे, जंगलों पे अपना कब्जा दिखाने लगे, और जमींदारों को उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया जंगलों में, और इनसे रेवेन्यू लेने लगे, जो आपके ट्राइबल पीपल्स से उन्होंने उनसे रेवेन्यू ये लोग लेने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिपेयर्ड एन आर्मी, एक आर्मी तैयार करी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंडलॉर्ड्स की, जमींदारों की,
और किस लिए तैयार की? उन्हें कहा गया कि संथल से तुम्हें फोर्सफुली जबरदस्ती रेवेन्यू लेना है, कर लेना है उनसे, जो भी वो जमीन होल्ड कर रहे हैं उनसे कर लेना है, ठीक है? तो जो जमींदार थे, जो पुलिस थी, जो कोर्ट थे, सबने बहुत ज्यादा एक्सटॉर्शन किया, बहुत ज्यादा अत्याचार किया संथल्स के ऊपर। जो पूरा सिस्टम था वो बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे इन लोगों के ऊपर। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई थी संथल्स की, बैडली इफेक्टेड बाय द ऑपरेशन, जो ये लोग फ्रॉड करते थे। देखो होता क्या था, जब लैंडलॉर्ड पैसे लेने आते थे संथल्स के पास, तो संथल्स तो उतना पैसा नहीं रखते थे, वो तो सिर्फ उतना ही उगाते थे और खाते थे, अपना जीवन यापन आसानी से करते थे। पर अब क्या होता था, जब पैसे रिवेन्यू नहीं दे पाते थे, तो जो संथल्स थे वो आपके मनी लेंडर्स के पास आते थे, आपके जो मनी लेंडर्स के पास कर्जा ले लिया करते थे लैंडलॉर्ड्स को देने के लिए, और फिर उसके बाद वो एक डेब्ट साइकिल में फंस जाते थे, ठीक है? तो आदिवासी और ये जो होते थे आपके मनी लेंडर्स, उन पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे। ये देखिए, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन्स वर टेकन फ्रॉम द संथल, संथल से बड़ी मात्रा में इंटरेस्ट ये लोग लेते थे। महाजन, ये जो महाजन होते थे, मनी लेंडर्स को महाजन कहा जाता है, महाजन होते थे ये, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया करते थे, और फिर जब संथल्स अपना लोन वापस नहीं लौटा पाते थे, तो उनका जमीन, उनके जानवर, कभी कभार उनके घर की औरतों को भी रख लिया करते थे, ठीक है? संथल्स को अपनी प्रॉपर्टी खोनी पड़ रही थी धीरे धीरे करके, उनके पास जो भी जानवर थे, जमीन थी, वो सब धीरे धीरे ये आपके मनी लेंडर्स, आपके महाजन, लैंडलॉर्ड्स, ये सब लोग हथिया रहे थे एक एक कर। यूरोपियंस क्या करते थे, कभी कभी ये जो महाजन होते थे और ये सब जो लोग थे, संथल्स की वीमेन्स को भी एबडक्ट करके ले जाते थे और उनके साथ अनजस्ट एक्ट किया करते थे, बहुत अत्याचार करते थे संथल्स की जो वीमेन्स होती थी उनके साथ, और फिर कभी कभी उनका मर्डर भी कर दिया करते थे अपने जो बुरे एक्ट हैं, अनजस्ट एक्ट हैं, उनको छुपाने के लिए, ठीक है? तो ये कुछ कॉजेस थे इस रिवॉल्ट के पीछे, इसके कारण ये रिवॉल्ट हुआ। देखिए 5 से 6 कॉजेस मैंने लिखे हैं, तो आपको कॉजेस बहुत अच्छे से मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि इतना जो मैसिव रिवॉल्ट हुआ, जो विद्रोह हुआ, वो हुआ क्यों? तो इस तरह से देखिए, जो मैंने आपको बताया, आर्मी तैयार की थी एक लैंडलॉर्ड्स की, जमींदारों की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने संथल से फोर्सफुली कर लेने के लिए, ठीक है? तो कर तो वो दे नहीं पाते थे, तो वो मनी लेंडर्स के पास जाते थे, महाजनों के पास जाते थे, महाजन से पैसे लेके वो लैंडलॉर्ड्स को दिया करते थे, महाजन धीरे धीरे करके उस पर ब्याज जोड़ते चले जाते थे, ब्याज नहीं चुका पाते थे तो वो उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे। तो इस तरह से ये पूरा एक साइकिल क्रिएट हो गया था, जिसमें संथल्स फंसते चले जा रहे थे और बहुत ज्यादा दुखी थे ये पूरे सिस्टम से। उसके बाद क्या होता है, स्टार्टअप अपराइजिंग। अब हम देखेंगे कि ये जो रिवोल्ट था, ये जो विद्रोह था, ये शुरू कैसे हुआ, ठीक है? कॉजेस तो हमने जान लिए। देखिए 30 जून 1855 को अराउंड 50,000 ट्राइबल पीपल्स, 50,000 से ज्यादा आपके जो जनजातीय लोग थे, ट्राइबल पीपल्स थे, वो 400 विलेजेस, आसपास के जो 400 विलेजेस थे, उनसे आकर भगनादी, भगनादी एक विलेज है आपका झारखंड में, वहां आकर ये लोग कलेक्ट हुए और वहां एक मीटिंग हुई, वहां एक ट्राइबल असेंबली हुई, ट्राइबल्स की एक असेंबली वहां हुई, और उसमें डिसाइड किया गया कि हम सब मिलके एक विद्रोह करेंगे, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, 50,000 से ज्यादा थे। उन्होंने सोचा कि हम विद्रोह करेंगे इस अत्याचार के खिलाफ, इस ऑपरेशन के खिलाफ, क्योंकि बहुत हमको दुखी किया जा रहा है, इसे हम एक ही बार में छुटकारा पा लेंगे, जो कुनौली, जो आपके अंग्रेज थे उनको हम खत्म कर देंगे और हमेशा के लिए ये जो पूरा जो ये चक्रव्यूह में जो हम फंसते चले जा रहे हैं, इसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है? इस तरह से इन्होंने डिसाइड किया एक असेंबली में। रिवोल्ट वॉज लेड बाय द सिद्धू, कानू, चंद एंड बैरव, ये चार भाई थे, दीज आर फोर ब्रदर्स, ये फोर ब्रदर्स थे। इन चारों भाइयों ने इस रिवोल्ट को लीड किया और फिर उसके बाद ये जो विद्रोह था ये शुरू होता है। नाउ जो ट्राइबल्स स्टार्ट अटैकिंग द महाजन, जमींदार्स, जो आपके महाजन थे, ठीक है, आपके जमींदार थे, मनी लेंडर्स थे, पुलिस थी, जो कोर्ट्स जो लोग चलाते थे, और या फिर आपके
जो पुलिस थी उन सब पर अटैक करना ट्राइबल्स ने शुरू कर दिया, अपने तीर के साथ, भाले के साथ, अपनी तलवारों के साथ इनको मारना शुरू कर दिया। इनके हाउसेस जला दिए, पुलिस स्टेशन जला दिए, पोस्ट ऑफिसेस जला दी, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे विद्रोह हुआ। उसके बाद क्या होता है, सिद्धू और कानू को अरेस्ट करने के लिए, जो यूरोपियंस होते हैं एक इंस्पेक्टर को भेजते हैं गांव में, तो उस इंस्पेक्टर को एकदम उसका गला काट के, उसका थ्रॉट को स्लेन करके वो लोग लटका देते हैं पेड़ पे। तो उससे क्या होता है, डर पैदा हो जाता है। ब्रिटिशर्स सोचते हैं कि ये तो बहुत जंगली हो गए, ये तो अब हमको छोड़ेंगे नहीं, अब इसको करने के लिए तो कुछ रोकना, कुछ मतलब रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा अब हमें। तो उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट समझ जाती है कि ये जो रिवेलियन है, ये विद्रोह है, इसका जो स्केल है वो बहुत बढ़ गया, बड़े लेवल पे ये तैयार हो गया। तो वो जो आपका ब्रिटिशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक बहुत मेजर मिलिट्री कैंपेन तैयार करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और अगेंस्ट दिस रिवेल्स, ये जो विद्रोह हो रहा था इसके खिलाफ मिलिट्री बड़े लेवल पे भेजते हैं। यूरोपियंस की मिलिट्री आती है और इन गांव पे अटैक करती है। एंड ऑफ रिवोल्ट कैसे हुआ है वो हम पढ़ रहे हैं, अटैक करती है, सून द रेवेलियन वॉज क्रश्ड। देखिए ये लोग बहुत सीधे साधे लोग थे, गांव के जंगली लोग थे, इनके पास ज्यादा हथियार नहीं थे, मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे, ये अंग्रेजों जितने चालाक भी नहीं थे, ठीक है ना, इनके पास गन्स थी ना, इनके पास बहुत ज्यादा मॉडर्न जो आर्टिलरी है वो नहीं थी, कुछ नहीं था इनके पास, तो डंडे, लाठी, चाकू, तलवार और आपके स्पीयर्स, बो एंड एरो, यही सब था। तो क्या होता है, 20,000 से ज्यादा संथल्स को मार दिया जाता है इस विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेज 20,000 से ज्यादा संथल्स की जान ले लेते हैं, वाइल टेंस ऑफ विलेजेस, काफी सारे जो विलेजेस थे उनको नष्ट कर दिया जाता है, पूरा का पूरा गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। जो राजमहल हिल्स है उसमें बताया जाता है कि उस समय जब ये फाइट हो रही थी तो पूरा राजमहल हिल्स खून से, मतलब पूरा ड्रेंच्ड हो गया था, जो सॉइल थी वहां की पूरी रेड हो गई थी, इतना खून बहाया गया था इस विद्रोह में, इतना ज्यादा इन्होंने संथल्स को मार दिया था। सिद्धू भी मारा गया था इस युद्ध में ही, और कानू को अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये युद्ध खत्म होता है, ये जो रिवॉल्ट था ये खत्म होता है, इसको क्रश कर देते हैं आपके ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं। तो हमने जाना शुरू कैसे हुआ, कॉजेस क्या थे, क्यों, कारण क्या थे इस विद्रोह के शुरू होने के पीछे, ठीक है। फिर हमने जाना कि ये खत्म कैसे हुआ विद्रोह, कितने लोगों की जान गई। एक और क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक से कि कॉन्सिक्वेंसेस, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, संथल रिवोल्ट के होने से क्या फायदा हुआ, इसके क्या सिग्निफिकेंस थे, क्या कॉन्सिक्वेंस थे, क्या परिणाम इसके निकल के आए, ठीक है, इसके जो परिणाम थे वो क्या थे। देखिए सबसे पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द ट्राइबल स्टेटस ऑफ द संथल, संथल्स का जो ट्राइबल स्टेटस था उसको रिकॉग्निशन दे दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब जान गई थी कि संथल्स के साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा फियर्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फियर क्रिएट कर सकते हैं यूरोपियंस के लिए। उसके बाद संथल परगना क्रिएट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इस मूवमेंट को पैसिफाई करने के लिए, कि इतने लोगों की इन्होंने जान ले ली थी संथल्स की, तो इन्होंने उसको पैसिफाई करने के लिए संथल परगना बना दिया था, एक एरिया बना दिया था जहां पे संथल्स आसानी से रह सकते हैं, उनसे टैक्स नहीं वसूला जाएगा, उनके जमीन में, उनके एरिया में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और जो दिक्कूज थे, जो आउटसाइडर्स थे, आपके जो मनी लेंडर्स थे, महाजन्स थे, और आपके वो सब जो लोग थे वो भी जान गए थे कि संथल्स वो नॉट एन अनऑर्गेनाइज मास ऑफ पीपल, ये ऐसे ही साधारण से अनऑर्गेनाइज मास ऑफ पीपल नहीं है, ये अगर इकट्ठे हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो ये कितना बुरा हाल कर सकते हैं। कितने सारे जो महाजन थे, जो मनी लेंडर्स थे, जमींदार थे, उनकी जान गई थी, घर जल गए थे, बहुत नुकसान उन्हें भी झेलना पड़ा था। इसीलिए अब जो दिक्कूज थे, जो आउटसाइडर्स थे, वो भी जान गए थे संथल्स की पावर के बारे में। इस मूवमेंट ने अदर ट्राइबल ग्रुप्स को बहुत कॉन्फिडेंस दिया था, वो जान गए थे कि ट्राइबल लोग बहुत ज्यादा इंफीरियर नहीं हैं, अगर उनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो वो भी खड़े हो सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं अत्याचार के खिलाफ। ये ट्राइबल, ये देखिए आपका 1855 में हुआ था, ये जो आपका संथल रिवॉल्ट है, उसके बाद देखिए आपका 1857 में
आपका 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके पीछे इसी को मोटिवेशनल एलिमेंट कहा जाता है, संथल रिवॉल्ट को। संथल रिवॉल्ट से ही प्रेरणा लेकर आपका 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, तो ये मोटिवेशनल फैक्टर था 1857 रिवॉल्ट के लिए। तो ये सारे कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, परिणाम हुए थे संथल रिवॉल्ट के। तो हमने कॉजेज, इसका कॉन्सिक्वेंसेस, एंड ऑफ द वॉर, स्टार्ट ऑफ द वॉर सब कुछ पढ़ लिया है। इतना आप अगर संथल रिवॉल्ट आता है तो इतना लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, दैट इज वेरी श्योर। इससे ज्यादा इस टॉपिक से नहीं कुछ पूछा जाएगा, इतना आप कवर कर लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, आसानी से। 38 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन अगर आएगा संथल रिवॉल्ट तो 38 मार्क्स का आएगा, तो आप आसानी से 25 प्लस स्कोर कर पाओगे इसमें, अगर इतना अच्छे से आप इसको लिखोगे। हेडिंग डाल के लिखिए, देखिए कॉन्सिक्वेंसेस अलग से लिखिए पॉइंट्स बना के, कॉजेज अलग से लिखिए पॉइंट्स में, ठीक है, इससे आंसर आपका अट्रैक्टिव हो जाता है। फाइन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा संथल रिवॉल्ट। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव है, तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और टॉपिक को डिस्कस करूंगी जो GS पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है।